हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट पर। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेट की डेफिनेशन और सेट का रिप्रेजेंटेशन देख लिया था और आज हम देखने वाले हैं कि सेट कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 13 टाइप्स के सेट लिखे हुए हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम 10 टाइप्स के सेट का पर ही डिस्कस करने वाले हैं। जो लास्ट के तीन सेट आप देख रहे हैं, सब सेट, सुपर सेट और पावर सेट, इन पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़े आईएमपी सेट हैं और इनको हम डिटेल में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो सेट है हमारे पास वो है फाइनाइट सेट। इसकी डेफिनेशन क्या है? ए सेट विथ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो दोस्तों, सिंपल सी डेफिनेशन है कि यदि हमारे पास कोई एक ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हों, दैट मीन्स उसमें एलिमेंट्स की जो संख्या है वो सीमित संख्या है और हम उनको काउंट कर सकते हैं, तब वह सेट हमारा क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है ए और उसमें कोई एलिमेंट है एक्स, और एक्स की जो प्रॉपर्टी है कुछ इस तरह से दी हुई है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और साथ ही दिया हुआ है कि जो एक्स की लिमिट है वो 3 < x < 9। अब यदि इस प्रॉपर्टी के बेस पर हम ए के लिए एलिमेंट्स निकालें, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? ए एलिमेंट एक्स है, और एक्स कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 3 से 9 के बीच में हो सकता है। तब क्या क्या होगा? 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो दोस्तों, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये फाइनाइट है, मीन्स हम इनको काउंट कर सकते हैं, ये सीमित संख्या हम दिए हुए हैं। कितने एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पे? 5 एलिमेंट्स है। तब ये जो सेट है हमारे पास, ये सेट का कौन सा सेट कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। सेकेंड है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। तो जस्ट फाइनाइट सेट से अपोजिट हो जाएगा, ए सेट विच कंटेंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स कोई ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट्स हैं उसकी संख्या क्या है? इनफाइनाइट है। तब वह सेट कैसा कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास कोई सेट है ए और उसमें कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी दी हुई है कि एलिमेंट है हमारे पास एक्स, साथ में दिया हुआ है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे प्रॉपर्टी दी हुई है एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तब यदि हम ए के लिए लिस्टिंग करें तब क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो एक्स बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर है, और एक्स क्या होना चाहिए? 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तब ये क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये जो लिस्ट है इसको हम फाइनाइट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 यहाँ पे एंड सो ऑन, यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और आगे भी चलता रहेगा। तब इस तरह का जो सेट है जिसमें कि एलिमेंट्स की जो संख्या वो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, तब ये सेट क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सेट कहलाता है। थर्ड है हमारे पास नल सेट। नल सेट को ही हम एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सेट विच कंटेंस नो एलिमेंट, मीन्स यदि कोई ऐसा सेट दिया हुआ है जिसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, तब वह सेट क्या कहलाता है? नल सेट कहलाता है। और नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल का यूज़ किया जाता है, जिसको फाई का सिंबल कहते हैं। तो दोस्तों, नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे। यदि मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है ए और इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तब आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एक और तरीका होता है, मान लीजिए ए सेट है जो कि नल सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तब आप इसको एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है, क्लोज करना है, और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना है, तब ये भी आपका क्या हो जाएगा? नल सेट का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप उसको फाई के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन आपके नल सेट के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई सेट दिया हुआ है आपको पी और उसमें एलिमेंट है एक्स, और एक्स की प्रॉपर्टी दी है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, और साथ ही लिखा हुआ है कि जो एक्स इज ऑड, मीन्स जो एक्स है वो क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि यदि हम किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर अगर करते हैं तो वो 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 के लिए हमेशा 2 का स्क्वायर ही 4 आ सकता है, और 2 क्या है यहाँ पे? इवन नंबर है। तो ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर 4 मिले। तो यदि हम
सेट की लिस्टिंग करना चाहें तब पी, और हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया लेकिन यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तब हमको कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा और ये जो सेट है ये क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगलटन सेट। इसकी डेफिनेशन क्या है, ए सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट, मीन्स एक ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है वह कौन सा सेट कहलाता है, सिंगलटन सेट कहलाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास कोई सेट है, सेट का नाम एस और इसमें कोई भी एक एलिमेंट है, मान लीजिए इसमें कोई एलिमेंट है ए और ये एलिमेंट एक ही है, तो एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है वह सेट किस तरह का सेट कहलाता है, सिंगलटन सेट कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेट यूनिवर्सल सेट। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन में लिखा हुआ है इफ़ ऑल द सेट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन आर सबसेट ऑफ अ फिक्स्ड सेट यू देन द सेट यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो दोस्तों यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज़ हो रहा है सबसेट का, जिसको अभी हमने नहीं देखा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन आज हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई सेट है आपके पास ए और उसमें कोई एलिमेंट है 1, 2, 3 और कोई सेट है बी जिसमें कि एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, तब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो सारे एलिमेंट है वो इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ए है वो बी का सबसेट है, मीन्स ए के सारे एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे हैं, बी में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए जो ए है वो बी का सबसेट है। तब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई एक ऐसा सेट है जिसको हम क्या बोलते हैं, यू, यू से यहाँ पर हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये एक इस तरह का सेट है कि सारे के सारे सेट इसमें से ही निकल कर बने हैं, मीन्स यदि हम किसी भी सेट के बारे में बात करें तो उसमें जो एलिमेंट है वो सभी के सभी किस में शामिल हैं, यू में शामिल हैं, तब ये जो यू है क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने कोई एक सेट बनाया ए और इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे वॉवल्स लिखे हुए हैं, कितने वॉवल्स हैं हमारे पास, 5 वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। अब आप बताइए इनके अलावा और कोई वॉवल्स होता है क्या, नहीं होता है, मीन्स जो ये सेट है ये सारे के सारे वॉवल्स को शामिल कर रहा है। अब यदि हम कोई सा भी सेट बनाएं वॉवल्स का, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा ए ई आई, 3 हमने यहाँ पे वॉवल्स लिख लिए, तब ये क्या कहलाएगा, बी सबसेट ऑफ ए, और इस केस में ए हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है जिसमें हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स का, तो नेचुरल नंबर्स का सेट है हमारे पास, अब यदि हम इसमें से बात करें इवन नंबर्स की, हमने कोई सेट बनाया जिसमें हम सिर्फ क्या लेना चाहते हैं, इवन नंबर्स लेना चाहते हैं, तो हम क्या लेंगे, 2, 4, 6, 8 इस तरह से लेंगे, तब ये जो है ई के जितने भी एलिमेंट है इवन नंबर्स वो कहाँ से निकल कर आए हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से निकल कर आए हैं, तब इस केस के लिए यहाँ पे जो एन है वो क्या हो जाएगा, इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। मीन्स यूनिवर्सल सेट उस तरह का सेट होता है जिसमें किसी सेट के लिए सारे के सारे एलिमेंट शामिल होते हैं, इसके बाहर और कुछ भी एलिमेंट नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल सेट। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल सेट्स इफ़ दे बोथ हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। सिंपल डेफिनेशन है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट है ए और ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, इस तरह कोई सेट है हमारे पास बी और बी में भी यही एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ए और बी जो सेट हैं इनके जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता था, जैसे मान लीजिए कोई सेट है सी और हम यहाँ पे एलिमेंट लिखें 2, 3, 1, 4, तो यहाँ पर भी एलिमेंट क्या है, 2, 3, 1, 4 है, यहाँ पे एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, 4, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर अलग है लेकिन एलिमेंट सेम है, यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, 4। तो यदि आपके पास दो सेट ऐसे हैं जिनमें एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है तब वह सेट आपके क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट कहलाते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से यहाँ पे यूज़ करते हैं ए इक्वल बी, मीन्स अगर आपके पास कोई दो सेट हैं जिनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हैं
तब आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इक्वल बी। नेक्स्ट है आपके पास इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होता है इक्वल सेट में कि जो एलिमेंट्स है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स की संख्या बराबर होना चाहिए। जैसे कोई सेट है ए और ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, और कोई सेट है बी और इसमें एलिमेंट है पी क्यू आर, तब ये एलिमेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है। तो ये जो सेट है ये क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस तरह से हम यूज़ करते हैं ए इक्विवेलेंट बी। अगर ये एलिमेंट भी सेम होते हैं तब वो क्या कहलाता है, इक्वल सेट, लेकिन यदि सिर्फ सेट के अंदर एलिमेंट की संख्या बराबर है तब वह क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में जब बात होती है तो यहाँ पे एक कंसेप्ट निकल कर आता है जिसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, इसका मीनिंग होता है कि जो भी आपको सेट दिया हुआ है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं, उस संख्या को क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट है ए और ए के आपको एलिमेंट्स बताना है, तब आप बताओगे नंबर ऑफ ए इस तरह से, या फिर दूसरा तरीका होता है कि आप इस सिंबल के अंदर ए लिखिए। दोनों का ही मीनिंग ये होता है कि आपको इस सेट के एलिमेंट्स की संख्या बताना है। जैसे यहाँ पे ए के सेट के जो ए सेट दिया हुआ है इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, तब यहाँ पे एन ए इक्वल या फिर मॉड ए इक्वल या फिर कार्डिनल ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो ये होता है हमारा कार्डिनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। टू सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ दे डोंट हैव कॉमन एलिमेंट्स। मीन आपके पास कोई दो सेट दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे है पी क्यू आर, और कोई एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है एस टी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। यहाँ पर एलिमेंट है पी क्यू आर और यहाँ पे एलिमेंट है एस टी, इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। और यदि दो सेट कुछ इस तरह से दिए हुए हैं जिसमें कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तब वह क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट कहलाता है। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग सेट। टू सेट्स आर सेट टू बी ओवरलैपिंग सेट्स इफ़ दे हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन। अब यहाँ पे मान लीजिए एक सेट है ए और इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, और कोई सेट है बी और इसमें एलिमेंट है 4, 5, 6। तो यदि दो सेट दिए हुए हैं और उन सेट के जो एलिमेंट हैं उनमें से कम एक एलिमेंट क्या है, कॉमन है, तब वह सेट क्या कहलाते हैं, ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो कम से कम एक एलिमेंट इनमें क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तब ए और बी कौन से सेट कहलाएंगे, ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास फैमिली ऑफ सेट। इफ़ आ सेट ए कंटेंस एलिमेंट विच आर इट्सेल्फ सेट्स देन इट इज़ कॉल्ड फैमिली ऑफ सेट्स और सेट ऑफ सेट्स। मीन्स यदि हमारे पास कोई एक ऐसा सेट दिया हुआ है कि जिसके अंदर अगर हम एलिमेंट देखते हैं तो वो फिर से क्या है, सेट हैं, तब वह क्या कहलाता है, फैमिली ऑफ सेट कहलाता है या फिर सेट ऑफ सेट्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई सेट दिया हुआ है ए और इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो इसके एलिमेंट है वो फिर से अपने आप में क्या है, सेट है। जैसे मान लीजिए कोई सेट है और इसमें एलिमेंट क्या है, 1, 2, फिर दूसरा एलिमेंट है वो फिर से कोई सेट है और उसमें एलिमेंट है 3, 4, या फिर मान लीजिए कोई थर्ड सेट है और वो क्या है, नल सेट है, और ये तीनों ही सेट इस ए के एलिमेंट हैं, तब ये जो सेट ए है ये क्या कहलाएगा, फैमिली ऑफ सेट कहलाएगा या फिर सेट ऑफ सेट्स कहलाएगा। ओके फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो रिमेनिंग हमारे सेट हैं, सबसेट्स, सुपरसेट और पावर सेट,
उसको हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।